इंग्लिश तो सब सिखाते हैं, लेकिन टाइटेनियम में ऐसा क्या है कि हर इंसान चुंबक की तरह खींचा चला आता है। मैं क्या बताऊं, आप खुद आजमा के देख लीजिए। हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आई कैंट से कि हाउ आर यू डूइंग, अगर आप सुन रहे हैं तो उसका रिप्लाई कर दीजिएगा कि वी आर फाइन। थैंक यू सो मच कि आपने फिर से इस चैनल को ट्यून किया है और टाइटेनियम के इस प्रोग्राम को अपने लायक समझा है और उसको इतना प्यार दिया है। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। हाई गाइज, आई एम मुकेश जन्मा। एज यू ऑल नो दैट आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ऑन टेलीविजन फॉर लास्ट 2 year. Thank you so much. We got a lot of message yesterday regarding the GAT. हमारा टॉपिक जो चल रहा था GAT, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे फोन कॉल्स मिले थे। जो बुक हमने दी थी, आई मीन उसके बाद काफ़ी सारे मैसेज आने लगे हैं। थैंक यू सो मच गाइज। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम, हो सकता है कोई इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहा हो, दैट्स वाई आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस वंस मोर। द प्रोग्राम इज स्पेशली फॉर द स्पोकन, और उन लोगों के लिए स्पेशली 90% लोगों के लिए जिनके लिए इंग्लिश बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए नहीं है। और सीखो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिन लोगों को हाँ अच्छा लेवल है उनके लिए भी वोकेबलरी सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सेंटेंसेज हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, ऑब्वियसली दैट वॉज ओनली फॉर द बेसिक लर्नर्स जिनका लेवल बहुत डाउन है था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेम टॉपिक, बट पढ़ाने से पहले पब्लिक से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग स्पोकन पढ़ रहे हैं उसके लिंक बताया था माइंड टू टंग, मतलब जो भी चीज़ आपको माइंड में समझ में आती है उसको आप टंग पे लेके आना, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। गुरु मंत्र हमने आपको शुरू से बता रखा है। सी, यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द 8 यूजेस ऑफ द GAT, GAT के 8 यूजेस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था GAT के काफ़ी सारे यूजेस है, डिक्शनरी में आप ढूंढना, स्पेशली इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड का जो एडवांस वर्जन है उसमें आप ढूंढना, जो एडवांस लर्नर के लिए है। कल 8 यूजेस पढ़े थे हम लोग, एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो लास्ट पढ़ा था कि स्टेट एंड कंडीशन को शो करने के लिए भी हम लोग GAT का यूज़ करते हैं। मैंने बताया भी था, लाइक मुझे गुस्सा आ रहा, आई एम गेटिंग हंगरी, सॉरी आई एम गेटिंग एंग्री, और अगर भूख लग रही है तो आई एम गेटिंग हंगरी। ये तो ठीक है, लेकिन हर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक एक्शन की थर्ड फॉर्म, वो भी एज एडजेक्टिव एडवर्ब काम में आता है। जैसे मैंने आपको बताया था मैं नर्वस हूँ, आई एम नर्वस, उसी तरह से हम काम में लेते हैं मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, वो भी काम में ले सकते हैं। उसके सेंस में मैंने, जैसे मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड, और GAT से कैसे बताएंगे, जैसे कि मैं, वो तो पहले से शादीशुदा हूँ, लेकिन अगर मैंने शादी की तो आई गॉट मैरिड, अभी शादी कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग मैरिड। तो GAT के साथ हम लोग थर्ड फॉर्म काम में ले रहे हैं। तो ये टॉपिक अधूरा रह गया था कि कंडीशन का चेंज होना उसको हम लोग GAT से डिनोट करते हैं और GAT से बताते हैं। सी, इसी टॉपिक को कंटिन्यू वे में आगे बढ़ाते हुए GAT के और भी काफ़ी सारे यूजेज हैं। कैच, कैच मतलब पकड़ना। पुलिस ने चोर को पकड़ा था कल, पुलिस कॉट द थीफ, या फिर पुलिस कॉट हिम, तो कॉट की जगह अब GAT की सेकेंड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, पुलिस गॉट हिम मतलब उसको पकड़ लिया या पता लगा लिया, उसका उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो GAT के और भी काफ़ी सारे यूजेस है। मैं बेटर ये रहेगा कि मैं आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि अक्सर शिकायत आती है कि सर हम लिख नहीं पाते हैं और सारी चीज़, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे ही मिस हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको, जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसको मैं कंक्लूड करके बताना चाहूँगा शॉर्ट में, और बाकी उसको पूरा डिटेल में कल समझाना चाहूँगा उसकी, क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेज है, रियल लाइफ में बहुत सारा काम में आता है। सी, GAT का द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम दूसरों से करवाते हैं। जैसे मेरे बाल अगर बड़े हो गए तो मैं खुद तो काटने से रहा, खुद काटते तो बोल दीजिए आई कट माई हेयर ऑन माई ऑन, लेकिन ये काम ऐसा है कि हम खुद ना करके हम दूसरों से करवाते हैं कहीं पार्लर पे जाके। मैं अपने बाल खुद नहीं काटता हूँ, कटवाता हूँ। तो जो काम दूसरों से करवाते हैं उसके लिए भी हम लोग GAT का ही सहारा लेते हैं, GAT काम में आता है। ये भी कंडीशन और स्टेट को शो कर रहा है, कैसे मैं अपने बाल खुद काटता हूँ तो आई कट माई हेयर ऑन माई ऑन, लेकिन मैं अपने बाल कटवाता हूँ तो आई GAT, और बीच में आएगा माई हेयर और फिर आएगा कट की थर्ड फॉर्म, ऐसे थर्ड फॉर्म ही काम में लेंगे। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया एक्शन की थर्ड फॉर्म एक कंडीशन होती है, उस टॉपिक को हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ब्रीफ में यही समझाना चाहूँगा कि जो काम दूसरों से करवाते हैं तो उस काम की हमको थर्ड फॉर्म काम में लेनी पड़ेगी GAT के साथ में। मैं अपने बाल बड़े हो गए, अब मुझे कटवाने ही, आई मस्ट GAT
माय हेयर पहले आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, आई मस्ट गेट माय हेयर कट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। दो तीन एग्जांपल और दे देता हूँ। मैं अपनी बाइक खुद रिपेयर करता हूँ, आई रिपेयर माय बाइक ऑन माय ऑन। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूँ कहाँ, मैकेनिक के यहाँ जाके, जो काम दूसरों से करवाते हैं। तो आई गेट, और गेट के बाद ये ध्यान रखिएगा कि बाइक पहले आएगा, आई गेट माई बाइक, फिर वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी, एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, आई गेट माई बाइक रिपेयर्ड। तो इस सेंस में गेट का यूज कहाँ, जो काम हम दूसरों से करवाते हैं वहां पे हम लोग गेट का यूज करते हैं। और इससे ज्यादा मैं कहूंगा कि आप एग्जाम्पल बनाइए, कैसे मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूँ, मैं अपनी बाइक सर्विस करवाता हूँ। और रियल लाइफ के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो और भी बहुत सारे हैं। मैं अपने बाल खुद नहीं काटता हूँ, कटवाता हूँ, कपड़े सिलता नहीं हूँ, सिलवाता हूँ। मैं जूते खुद पॉलिश करता हूँ, वो बात अलग है, लेकिन जूते दूसरों से पॉलिश करवाते हैं उसके लिए भी गेट काम में लगे। खाना बनाना और बनवाना, तो जो काम दूसरों करते हैं उसके लिए गेट डैश 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 उसके साथ थर्ड फॉर्म उस काम की। मैं एग्जांपल लिख के बता रहा हूं, आप और भी यूजेस है गेट के काफी सारे, साथ साथ में लिखते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टॉपिक ऐसे ही, हमारे पास टाइम बहुत ही कम, 10-15 मिनट का, उसमें नहीं तो मिस हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर यूनुस जी कि इसको थोड़ा सा जूम करिए। पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ साथ में लिखते भी रहिएगा और यूजेस जो बता रखे उसको समझते भी रहेगा। हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा है, गेट। कल हमने 8 यूजेस पढ़े थे और आज मैं 9th यूज से स्टार्ट कर रहा हूँ। टोटल मैंने 15 यूजेस अपने हिसाब से कंक्लूड किए हैं जो सबसे ज्यादा स्पीकिंग में काम में आते हैं। 9th यूज क्या है, अंडरस्टैंड। गेट का मतलब अक्सर आपने सुना होगा, गॉट इट, गेट इट। अगर आपको समझ में नहीं आता आप मना कर दो, सर आई डोंट गेट इट या आई डिडंट गेट इट। मैंने कोई जोक सुनाया, अपन बोलो उसको समझ में नहीं आया, शी डिडंट गेट द जोक, मतलब उसको जोक समझ में नहीं आया। आप लिखते रहेगा गेट का 9th यूज क्या था, अंडरस्टैंड। आर यूज एग्जाम्पल क्या बताया, शी डिडंट गेट द जोक। नेक्स्ट कैच और हिट, अभी मैंने आपको बताया था कैच और हिट। पुलिस, पुलिस गॉट हिम, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। आई मीन कैच की जगह हम लोग गेट की या कफ के फॉर्म बनाएंगे, सेकेंड फॉर्म यूज किया यहाँ पे। 11th यूज मूव और ट्रेवल, कहीं पे जाने के लिए भी हम लोग या फिर ट्रेवल करने के लिए भी हम लोग गेट यूज कर सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल दिया, लेट्स गेट अ टैक्सी, चलो टैक्सी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे गेट ऐसे ट्रेवल के लिए हम लोग टैक्सी की, आई मीन गो और ट्रेवल की जगह गेट यूज किया है। अराइव, अराइव मतलब पहुंचना, उसकी जगह हम लोग गेट यूज में ले सकते हैं। व्हाट टाइम डिड यू गेट हियर, अपन पूछते हैं तू यहाँ पे किस समय आया था, तो व्हाट टाइम डिड यू कम हियर या अराइव हियर से अच्छा गेट यूज करो, अट्रैक्टिव भी लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। तुम यहाँ पे किस समय पहुंचा था, व्हाट टाइम डिड यू गेट हियर। लिखते रहेगा, टाइम बहुत कम है। 13th पॉइंट, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के लिए भी हम लोग अपॉर्चुनिटी प्राप्त करना या लेना उसके लिए भी हम लोग गेट यूज करते हैं। आई नेवर गेट टू गो फर्स्ट, मैं कभी पहले जाने की अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं सोचता हूँ। कुछ लोग जाना पसंद करते हैं, पहले मुझे जाने दो, बट आई नेवर गेट टू गो फर्स्ट एज ए अपॉर्चुनिटी वी आर यूजिंग हियर। नेक्स्ट 14th यूज ऑफ द गेट, स्टार्ट, कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए भी गेट यूज करते हैं। आई गॉट टॉकिंग टू हिम, मैंने उसे बात करना स्टार्ट किया था। पार्टिसिपल एंड जीरन जब हम पढ़ रहे थे तो एक्शन प्लस आईएनजी फॉर्म के बारे में पढ़ा था। आई गॉट टॉकिंग टू हिम मतलब मैंने उससे बात करना शुरू किया। एंड लास्ट एंड फाइनल द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को हम कल भी पढ़ेंगे, अभी आप लिख लीजिए कुछ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस अगर आप बना सकें तो कल तक बना के रखिएगा। गेट समथिंग डन मतलब कुछ काम करवाना, एक तो कोई काम करना, करना मतलब डू, लेकिन गेट समथिंग डन मतलब कोई काम करवाना, डू की थर्ड फॉर्म काम में आ रही है, याद रखिएगा। नीचे लिखा हुआ गेट डैश 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 थर्ड फॉर्म, लिखिए आप एग्जांपल, आई मस्ट गेट माय हेयर कट, यहाँ पे कट की थर्ड फॉर्म है, कट कट कट, तीनों फॉर्म कट ही होती है। मुझे अब बाल कटवाने हैं, बड़े हो गए हैं। I'll never get all this work finished, मैं इस काम को कभी खत्म नहीं करवा पाऊंगा, तो कर नहीं पाऊंगा, नहीं करवा पाऊंगा, तो I'll never get all this work finished. ये फ्रेम जरूर लिखिएगा, गेट डैश 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 एक्शन थर्ड फॉर्म, मतलब जो काम हम दूसरों से करवाते हैं गेट, उसके बाद वो काम, जैसे मैंने कहा ना बाइक रिपेयर करवाता हूँ, आई गेट, यहाँ बाइक पहले आएगा, फिर रिपेयर की थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी, आई गेट माई बाइक रिपेयर। गाइज नाउ यू हैव लास्ट मैक्सिमम 10 टू 15 सेकेंड्स, इसको जल्दी से कॉपी करिए। आज लास्ट है गेट के टोटल यूजेस, जो लास्ट यूजेस है जो काम हम दूसरों से करवाते हैं, उसको हम कल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पीपल हु आर वॉचिंग प्रोग्राम एट होम, प्लीज यू काइंडली रिक्वेस्टेड
टू कॉपी इट, इसको कॉपी करने के लिए जल्दी से जल्दी कॉपी करिए। साथ साथ में ऊपर हेल्पलाइन नंबर है वो भी कॉपी कर लीजिए 9950335575। तो कोई भी अगर बाय द वे कंफ्यूजन हो गेट में तो भी आप लोग पूछ सकते हो साथ साथ में। लास्ट 5 सेकंड्स मोर गाइस, योर टाइम इज गोइंग टू बी फिनिश, सो प्लीज आई होप दैट यू गाइस मे हैव रिटन। फिनिश दिस प्रोग्राम। आज के लिए बहुत ही ज़्यादा हो चुका है क्योंकि अपने पास वक्त की पहले से ही बहुत ज़्यादा कमी है। जो भी यूजेस गेट के बाकी के आपने लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल आप खुद बनाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको खुद को अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि खुद के बनाए हुए एग्जाम्पल कहीं गुना ज़्यादा कारगर होते हैं और हमेशा याद भी रहते हैं। तो गेट के टोटल मैंने अपनी तरफ से कंक्लूड करके 15 यूजेस आपको बता चुका हूँ जो कि स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा काम में आते हैं और यूज़ में आते हैं, और आप यूज़ करोगे तो काफ़ी लैंग्वेज भी काफ़ी इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव लगती है। सो गाइस, आप अपनी तरफ से और सेंटेंसेस फ्रेम करिएगा, अदरवाइज आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए गेट से रिगार्डिंग या कोई भी ऊपर हेल्पलाइन नंबर दी गई है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस 9950335575। थैंक यू सो मच गाइस, आपका प्यार हमेशा मिलता जा रहा है, इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। और जो सबसे ज्यादा मैसेज करता है उसको हमारी तरफ से एक इंग्लिश स्पोकन की बुक और एक डीवीडी यहाँ से फ्री मिलती है। सो लेट्स गेट रेडी एंड स्टार्ट sending message guys. It's enough for today guys. See you tomorrow in the same program and by the same person, Mukesh Janwa, and by the same group, Titanium Education of English Language, English, Dance, Computer Courses, French Language, all competitive exam, Bank PO, Bank Clerk, Patwari, Shikshak Bharti, whatever you want to contact, you're always most welcome guys. One more good news that Titanium has launched 2 more branches, Fatehpura and Sector 13. If you want to visit here, I can give you the address, Titanium Education, Iyer Road, Thokar Choraha, Udaipur. Thank you so much guys. See you tomorrow in the same program. Until then, ciao. Thank you again. English to sab sikhate hain, lekin Titanium mein aisa kya hai ki har insaan chumbak ki tarah khincha chala aata hai. Main kya bataun, aap khud aazma ke dekh lijiye.